प्रतापगढ़ में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने वालों को सबक सिखाने के लिए एसपी अभिषेक सिंह ने खुद कमान संभाल ली है। दरअसल कोरोना को लेकर किए गए लॉकडाउन पार्ट 2 का अंतिम चरण है। ऐसे में उल्लंघन करने वालों पर लगाम लगाने के लिए एसपी, एएसपी पूर्वी, पश्चिमी और सीओ समेत भारी लाव लश्कर के साथ चिलचिलाती धूप में सड़क पर उतर पड़े, ताकि लोग कोरोना से सुरक्षित रह सकें। इस दौरान सड़क पर बेवजह बाइक सवारों को घूमता देख एसपी ने माथहतों को जमकर फटकार लगाई, साथ ही ताबड़तोड़ ई चालान शुरू कर दिया, जिससे पूरे शहर में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते शहर की सड़कों पर सन्नाटा छा गया। आपको बता दें कि शहर में वाहनों के पास प्रशासन आंख मूंद कर बनवाने में जुटा हुआ है, जिसकी वजह से पास धारकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जो लॉकडाउन चल रहा है, इसमें जो भी छूट दी गई हैं, उनके अलावा यदि कोई भी अनावश्यक रूप से सड़कों पर निकल रहा है या जो नियम है जिसमें एक मोटरसाइकिल पर एक आदमी और एक कार में दो आदमी उसका उल्लंघन कर रहा है, तो तत्काल उसका ई चालान करवाया जा रहा है, नोटिस उनके घर पहुँच रही हैं। इस प्रकार की कार्रवाई हम दिन भर में कई बार करवाते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक सुनियोजित नाका लगा के चारों तरफ चौराहे के जो चार रोड से उन पर चेकिंग कराई गई है। अभी यहाँ पर फिलहाल 55 चालान हम कर चुके हैं। सर, सुबह 6 बजे जो आने की बात थी, इसीलिए स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर यह निर्णय लिया गया, किसी प्रकार के भी फुटकर खरीदार को मंडी के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। जब से ये व्यवस्था लागू हो गई है, और केवल थोक व्यापारी मंडी में जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है।